वो विकास के चर्चा देश के लोग मत करे, विपक्ष मत करे, ओकरा से अच्छा बा कि आपसे में लड़ के कटवा झोंच कह के और दिखाव कि भाई हमने के लड़ते जा। ये बात रोज कही मीडिया, ये बात रोज लोग आम आदमी कही कि अब सरकार गिरल तब तो सरकार गिरल, लोग यही में अपन फंसा रहो तब तक ले इन्हें 5 साल बितावल चल जाए। कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आवे के एक साथ के शर्त बा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनी हैं और नीतीश कुमार सपोर्ट करी हैं 2024 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने के सामने करी। संजय जायसवाल कहले कि हमारे लगे प्रमाण बा कि तेजस्वी यादव आई रहन भूपेंद्र यादव से भेंट करे खातिर, पैरवी करे खातिर कि भाई ईडी बीडी से हमनी के बचा दो, अब हमनी के जैसे कहो से चल जेते। दरख्त से परिंदा घोंसला हटावे लगले, दरख्त से परिंदा घोंसला हटावे लगले, बगीचा में जब से सियासी आवे जाए लगले। गोड़ा तो नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ लोग के खूटा ठोक है, 2-3 दिन से गला रुआ देखा था नहीं कि अब हूँ बैठल बा, ये चलते रुआ लोग के सामने ना उतर नहीं है। और बिहार के राजनीति में होखे का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन रउआ लोग के बतावे खातिर भारत लाइव पर पंचनामा पर बहुत सारा खबर रहे तो बता दे रही, ये चलते खूंटा ठोक पर सोचने की 2-3 दिन में जब तबीयत ठीक हो जाता, गला जब ठीक हो जाए तो रुआ लोग से सोझा आई। बाकी तो मन हो ऐसा कि मानते नहीं के, रुआ लोग से दूरी बर्दाश्त ना होला। ये चलते फिर वो आइल बनी, लेकिन बिहार के राजनीति के एक बड़हन लमहर खेल जौन बा ओकर खुलासा करे आइल बनी। बिहार के राजनीति में एक बात तो जरूर बा कि चाहे जौना तरीका के लोग बात कह ले, जितना अपना के ठीक ठाक करे के दिखावे कोशिश कर ले लोग, ठीक बा ना जी, भीतर में मामला बड़ी औंजाइल बा, सभे जहाँ तहाँ फेरा में पड़ल बा। और सबसे बड़ फेरा में नीतीश कुमार जी पड़ल बा, कारण कि पेंडुलम के तरह कभी एने कभी ओने हिलावल जाता रहे। एक में सबसे बड़का बात बा कि भारतीय जनता पार्टी 2020 में जब से बड़ा पार्टी भैलू, बड़ा कड़क के कहता कि हम बड़ा पार्टी हो गई। हम कई लोग के बयान, प्रेम रंजन पटेल के बयान सुनने बातचीत के दौरान वे कहत रहन कि सरकार अकेले चलावे के हमने में कुवत बा, अकेले हमने के सुशासन ले में कुवत बा, लेकिन नीतीश कुमार के हमने के मुख्यमंत्री बना के रख ले बन जा। एकर मतलब वह समझे कि ई बात नीतीश कुमार के कितना खटखट हुई। जब भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार बिहार में ले आकर के सत्ता में बैठौले, तौना घड़ी भी नीतीश कुमार ई बात ना कबू कहले रहन। नीतीश कुमार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के हारल बाजी जीता दिले तबू तो कुछ ना कहले, लेकिन अब उहे जौन भारतीय जनता पार्टी बिया नीतीश कुमार के बार बार ठोनच दे दिया। और एक ठोनच अगल बगल में उनका लोग बा, लोग के भीतरे भीतर कुपित हो गई बा। यही चलते कई गो बयान रुआ सामने आई हुई, रुआ देखते हो कब कि उपेंद्र कुशवाहा जब से जदयू में आई बड़े तब से नीतीश कुमार के छोट भाई के लगातार फर्ज निभावत रहे, और नीतीश कुमार के कैसे ऊंच सीढ़ी पर बैठावल जाओ, कैसे उनका मान सम्मान में वृद्धि कर जाओ, ओकरा के तैयारी में लागल बढ़न। और यहाँ तक ले कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के उम्मीदवारी में उनका के सबसे प्रबल दावेदार बता दे ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्यान ही नहीं खे दे, रुआ लोग के याद हुई कि बात हम कहले रही कि नीतीश कुमार के लाख चाहला के बावजूद नीतीश कुमार अपना से कहियो दिए कि जैसे कहब लोग उसे करब, तब वो नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति ना बनाई। कारण कि राष्ट्रपति के पद बड़ा गरिमामय पद होला, लेकिन ए पद के साथ जौन तरीका के बात हो रहा बा कि राष्ट्रपति ऐसा आदमी के बनावे के सत्ता में बैठल लोग कोशिश करला जिनका से उनका बहुत ज़्यादा दिक्कत ना होके, और ऐसे भी राष्ट्रपति के भूमिका जौन बा वो संवैधानिक रूप से बड़ा बा, लेकिन सदन के सामने, सदन में नेता के सामने बहुत कम बा। कारण कि कानून बना देला के बाद वो कानून के पास कैल मजबूरी बा। कारण बा कि रुआ लोग से पहले ही बात के बतौले रही, कई आल रुआ लोग
चर्चा करी लोग जानते हो कि जब लोकसभा में कोनो बिल पास हो जाई तो राज्यसभा में जाला और राज्यसभा से पास हो गया के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर खाती जाला। राष्ट्रपति अगर बहुत कड़क बड़े तो एक हाली होकर के दू हाली होकर के वापस कर दिए, लेकिन तीसरका हाली उनका साइन कर ही के पड़ी चाहे मन होके चाहे मत होके। लेकिन आज तक ले रुआ लोगों से बात सुननी कि 8-9 साल जो होके जा रहा बुड़ुए भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता के ओकरा में कोनो राष्ट्रपति अंगुरी उठौले होखस, कोनो बिल के रोकले होखस, ऐसा भैले नहीं खे। जबकि सदन बिल के वापस ले ले बा, किसान बिल के रुआ देख ली। एकरा अलावे बहुत सारा बात बा बिहार के राजनीति में। एगो चर्चा बहुत जबरदस्त हो रहा बा कि नीतीश कुमार के कुर्सी से के उतारी, ये बात के चर्चा जबरदस्त ढंग से हो रहा बा। और ये चर्चा और ज़्यादा मजबूती से ऐसे कहात हुए कि तेजस्वी यादव अपना तैयारी में जरा भी कमी निखन करत। उ सुतला में जगला में उ भोरहरिए साझी खा गदबेर में यह बात के तैयारी में लागल बढ़ान कि कैसे अपन आंकड़ा और संख्या बढ़ा ली। एकरा खातिर हर युक्ति करता। अब तो राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारा लोग भितरिया बात के बहरी ले आवे लागल बा। एगो बड़ा अरुण यादव भाई अरुण उ लगातार बयान दे रहा बन, कई हाली बयान दे चुकलन कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे खातिर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के कई गो नेता बन जौन इस्तीफा देवे के तैयार बन। एकरा पहले रुआ सुनबे कहीं कि तेजस्वी यादव का कहले कि खुद नित्यानंद राय उनका से भेंट कैले रहन। एकरा पर पलटवार भइल, ए 2-3 दिन के घटना जौन भइल बा तौन रुआ लोग से बताओ तनी। एकरा पर पलटवार भारतीय जनता पार्टी कहलस ए बात के कहलस कि हमारा लगे तो प्रमाण बा। संजय जायसवाल कहले कि हमारा लगे प्रमाण बा कि तेजस्वी यादव आई रहन भूपेंद्र यादव से भेंट करे खातिर, पैरवी करे खातिर कि भाई ईडी बीडी से हमनी के बचा दो, अब हमनी के जैसे कहो वैसे चल के तैयार बन जाए। एकरा में बहुत तरह के बात और राजनीतिक रूप से जितना बात हो रहा बा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर भारतीय जनता पार्टी के डर ना रही तो कबे एक हो गई रहते। कारण कि सुगबुगाहट शुरू भई रहे। याद करी रुआ कि तेजस्वी यादव से इतना दूरी के बावजूद, इतना डिफरेंसेस के बावजूद, एक दूसरा पर हमला करे के बावजूद दोनों एक दूसरा से भेंट करते रहे, इफ्तार पार्टी मनावते रहे, गोड़ छुके गोड़ लगाते रहे। तेजस्वी यादव उनका के माथा पर धो के आशीर्वाद देता रहे। ठीक भाई मान लेते हैं कि व्यवहारिकता हो, लेकिन ये व्यवहारिकता 2017 से लेकर के 2020 तक ले काहे ना रहे। 2020 के चुनाव खत्म हो गए, 2021-22 आ गई जब 2 साल सत्ता में बैठ गए, ओकरा बाद याद काहे आइले। तो कहीं ना कहीं जब कुछ टूटेला तो जोड़े के आदमी कोशिश करेला। नीतीश कुमार के मन उचट गई बा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के छोड़े के तैयार नहीं है। ऐसा ना खूंटा मुंडा के मजबूती से बहले बा कि कतनों हुफी हैं लेकिन तूर के भग गई हैं ना। रुआ गांव ग्राम में देखले हो कब कि जब नया बाछा होला तो ओकरा खातिर खूंटा मजबूत कर जाला। गाय बैल भैंस के ना वो बछवा के बहुत ज़्यादा कर जाला। कारण कि ऊ जौन तड़पेला जौन ओकरा में ताकत होला वो खूंटा कबार देवेला। तेजस्वी यादव के लेकर के बयान बहुत सारा आई, नीतीश कुमार के लेकर के बयान बहुत सारा आई, लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत बयान मुकेश सहनी दे देले। मुकेश सहनी साफ तरीका पे बिहार के मुख्यमंत्री के नाम के घोषणा कर देले, जौन में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के तरफ से एको नाम नहीं है। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के मानता रहे कि उनका में कुवत बा, वो मुख्यमंत्री के लायक बाणन, और यहाँ तक लेके राजनीतिक परिवार से आओ था तो उनकर पॉइंट बेसी बा। लेकिन संगे संगे चिराग पासवान के वो मानता रहन कि युवा बाणन और उनका में पूरा पोटेंशियल बा, पूरा दमखम बा उनका बिहार के मुख्यमंत्री बने के सारा काबिलियत बा। और संगे संगे तीसरा नाम मुकेश सहनी अपन लेते रहे कि हमारे लगे वोट भी बा
और हम मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके बिहार के विकास भी कर सकिले। हमरा लगे विजन बा। ये बात के लेकर के अब उनकर किरकिरी भी हो रहा बा और प्रतिक्रिया भी आवे लागल बा, लेकिन मुंह से निकलल बात अब बंदूक से निकलल गोली लौट के ना आवे। अब कह दिले तो कह दिले, लेकिन ये सबके बीच में दिल्ली से लौट के आयल चिराग पासवान के और चिराग पासवान के टीम के ये बात कहना कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कुर्सी से पलटे के पूरा तैयारी हो गई बा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर के पलटी के पासा पलटी एकर अब तैयारी हो रहा बुड़ू है और एकरा में नाम चुनल जाता। एक तरफ जहां रुआ सुनबे कहनी कि मुकेश सहनी का कहले कि नीतीश कुमार अब कुछ दिन के मेहमान बा, लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति से दूर हो गए अस्वस्थ बढ़े, भारतीय जनता पार्टी में केहू बा ना, एकरा अलावे बाँचल के तो यह तीन गो लोग बाँचल। अब सोचे कि जरा लगे एको सीट नहीं खे, कोनो सदन में कोनो प्रतिनिधित्व नहीं खे, वो मुकेश सहनी दावा करते रहे मुख्यमंत्री बने के। हालांकि दावा करे में कोनो दिक्कत नहीं खे, नीतीश कुमार भी अगर असही ठोक के दावा कर ले रहा हूँ, टेबुल पर कॉफी हाउस में हाथ ठोक के दावा कर ले रहे कि एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनब और लालू प्रसाद से ज़्यादा 17 साल तक ले 18वां साल में प्रवेश कर गए बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी संभाले बन। तीन उड़ाए तितिर भई रहन 2000 में कोशिश कैले नाकाम भैले, 2005 में कोशिश कैले नाकाम भैले, लेकिन 2005 में दोबारा जब चुनाव भइल तो तीसरा उड़ाने तितिर पकड़ लेले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सत्ता पर बैठ गए। लेकिन अब वह भारतीय जनता पार्टी उनका खाती नासूर होकर जाता। भारतीय जनता पार्टी जब संख्या होकर ज़्यादा बा तो वो नीतीश कुमार पर दबाव बनावत रुए और नीतीश कुमार भीतर भीतर कुपित बाड़े। ये चलते लगातार बयान आ रहा बा और विजेंद्र यादव के बयान ताजा रुआ काल सुन ले हो कब कि वो साफ तरीका पे कहले जौन की बात जीतन राम मांझी कितना दिन से कहते रहे लेकिन उनका केहू ध्यान ना देते रहे, लेकिन अब एगो नहीं सुन ले कि सुपवा हंसत रहे चलनिया के, जब अपना पर पड़ेला तब छावेला आदमी। जीतन राम मांझी शुरू से कहता रहन कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाबो, एनडीए में केहू कुछो बोल देता कोऑर्डिनेशन कमेटी रही तक बात के वजन हुई और असही आऊ जाऊ केहू ना बोली, ऐसे लागी कि एनडीए एकजुट बा। लेकिन ऐजा तो एक दूसरा पर हमला करे के बा और एक दूसरा के हमेशा टेंशन में रखे के बा। विकास बहुत दूर तक ले छूट गई बा, वो विकास के चर्चा देश के लोग मत करे, विपक्ष मत करे, ओकरा से अच्छा बाकी आपस में लड़ के कटवा झोंझ कह के और देखावा कि भाई हमने के लड़ तन जा। यह बात रोज कही मीडिया, यह बात रोज आम आदमी कही कि अब सरकार गिरल तब सरकार गिरल, लोग यही में अपन फंसा रहो तब तक लेने 5 साल बितावल चल जा। सीधा तौर पर अब विजेंद्र यादव जो कहले कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं खे और जेकरा जौन मुँह में आवता बक देता, ये दुख है विजेंद्र यादव के। कारण कि विजेंद्र यादव हल्का बात ना बोले ले, बहुत पुरान नेता हवे और अब जब बोल देले तो बोल देले, मुंह से निकलल बोली है। एकरा पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया भी देले बा कि केंद्र से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी हर तरह के कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, केकरा का तकलीफ होता है, बोलब तो बोलब, गरियाइब तो गरियाइब, तू कहब कि हमार मुख्यमंत्री तो हमू कह कि हमार मुख्यमंत्री, यानी कि रुआ देख लो पटीदारी के झगड़ा जोन होला ओकरा में यही तरीके के बात होला है, एक इंची तहार एक इंची हमार, जबकि ओकरा से बेसी कहीं छूट गई हुई, लेकिन आन के बात बा। अब ये सब में ये बात बहुत नज़दीक पहुंच गई बा, वो जगह पर पहुंच गई बा जहां नीतीश कुमार के विरोध में बहुत सारा लोग खड़ा हो गए बा, खुद भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं के। और जीतन राम मांझी के रुआ जानता नहीं कि जेने देखिए खीर होने जी हैं फिर, अगर सरकार बनावे खाती मौका इन्हें उन्हें कहीं के होकर मिलता तो ऐसा स्थिति में जीतन राम मांझी पासा पलटे में तनिको देर ना करी है, एकरा पहले भी कर चुकल बाड़े। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनौले नीतीश कुमार के छोड़ दिले,
भाजपा उनका के विधानसभा में बेसी सीट दिलस भाजपा के छोड़ दिले, तेजस्वी यादव उनका के लोकसभा में सीट दिले तेजस्वी यादव के छोड़ दिले, तेजस्वी यादव उनका बेटा के MLC बनौले छोड़ दिले। यानी कि लगातार कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी सत्ता के करीब पहुँचे खातिर हर उ प्रयास कैले। एक हाली फिर से जब नीतीश कुमार के कुर्सी छीना झपटी लागल बा तो ओ में एगो पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं भले उतना लमहर उनका लगे संख्या बल ना होके, लेकिन इतना संख्या बल बा कि केहू के मुख्यमंत्री बना सकेले और केहू के मुख्यमंत्री कुर्सी से उतार सकेले। तनी मनी एने ओने पसंगा भइल कि फट से तरजुई नीचे हो जाई। ये चलते नीतीश कुमार के कुर्सी के दावेदार के कमी निके और कहीं ना कहीं रुवलोक से जो शुरू में कहले रही वो बात अब हूँ गिरह पार के रख ले सब है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आवे के एक साथ के शर्त बा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनी हैं और नीतीश कुमार सपोर्ट करी हैं 2024 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने के सामने करी हैं। अब तो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष भी फिर एक बार बिखर गई बा, कारण कि ममता बनर्जी जो प्रयास कैले रही वो प्रयास में कांग्रेस साथ दिलस, राष्ट्रीय जनता दल साथ दिलस, लेकिन बाकी के विपक्ष जो बा वो बिखरल नजर आई, चाहे हेमंत सोरेन के नाम ली या फिर अन्य नेता लोग के नाम ली। अब ये पूरा मामला में नीतीश कुमार पर आकर के सुई के कांटा टिक गई बा और नीतीश कुमार के कुर्सी सबके निगाह में बा। देखे वाली बात हुई कि नीतीश कुमार के कुर्सी के असल दावेदार के होता और के उनकर पासा पलट के उनका कुर्सी पर अपन खूंटा करता। एजे रुवालों से विराम ले, कैसन लागल जरूर बताई सब है और संगे संगे रुवालों से बड़ा शिकायत बा कि रुवालों अपन विचार नहीं की लिखत, का फायदा बा ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम के जौन में टू वे कम्युनिकेशन बा। रुवालों जहाँ बानी जौने बुझाता जैसे लिखे आवेला लिखे सब है ना कि बिहार में का रुआ चाहता नहीं, रुआ का समस्या बा, रुआ बाल बच्चा के स्थिति का बा, स्कूल के स्थिति का बा, रुआ गांव गिराव के स्थिति का बा। अपन नंबर भी अगर देव सब है तो डायरेक्ट रुआ लोग से बात करके वजह से वीडियो मंगा करके और रुआ लोग के बात बड़ा प्लेटफॉर्म पर रख जा। रुआ जानता नहीं कि खूंटा ठोक होके, पंचनामा होके या भारत लाइव होके, न्यूज़ बिहार होके, चारों चैनल पर अलग अलग तरह से हमने के खबर रखे के कोशिश करते हैं। राउर समस्या या राउर विचार जौना प्लेटफॉर्म पर रखे लायक हुई वह प्लेटफॉर्म पर रख जा। सारा प्लेटफॉर्म रउे लोग के दिहला, सारा जो मान सम्मान बा रउे लोग के दिहला। ये चलते हमने के फर्ज बनता कि रुवे लोग के बात अधिक से अधिक लोग तक तो पहुँचाई जा और एक प्रयास हमने के लगातार करते जा। बस रुवे लोग से खाली फेर नहीं हो रहा बा कि अपन विचार जरूर लिखब सब है, इंतजार रहला हमनी के गोर लागत नहीं।